हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मुझे अपने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, इस वजह से मैं प्रोत्साहित हुआ हूँ और आगे आपके लिए लेकर आया हूँ सितंबर का करंट अफेयर्स, केवल 5 मिनट में। चलिए देख लेते हैं समय न गवाते हुए। दीपा मलिक शॉटपुट खेल से संबंधित है। ये दीपा मलिक पैरालंपिक में खेली थी, पता होगा आपको। ये शॉटपुट खेल से संबंधित हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था। दूसरा देख लेते हैं, विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये यूपी से संबंधित है, इस वजह से मैंने डाला है यहाँ। तीसरा देख लेते हैं, जहीर खान को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मानद आजीवन सदस्य के रूप में चुना गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंग सान सू की को मानवतावादी 2016 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो बासवान समिति है, यूपीएससी में जो बदलाव हो रहे हैं उनके लिए गठित की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, पता होगा आपको। ये भी देख लेते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये ले लिए हैं। आपको केवल एक बार देख लें, सुन लें, इसे दिमाग में बिठा लें। क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, आपको भी पता है, लेकिन थोड़ा रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ खोज के कई मैगजीन से निकाली हैं ये, और यहाँ पर मैंने प्रस्तुत करी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। ये ग्रास रूट इनोवेशन, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं अनिल कुमार गुप्ता। दूसरा, उत्तराखंड में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्धाभ्यास 2016, यानी ये नाम है युद्धाभ्यास 2016, ये संयुक्त अभ्यास हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था ये। एक सवाल आता है, भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2017 के लिए नामांकित किया गया है? ये शायद कम लोगों को पता होगा, चांसेस ज़्यादा हैं इसके। विसारा ना ई को, थोड़ा दक्षिण भारत का नाम है, याद कर लें इसे, विसारा ना ई को। फोर्थ है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2016 द वाइट हेलमेट को दिया गया है, इसे भी याद कर लें। भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया है सितंबर में। ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसका जो H5N1 वाला है ये, और जो अभी जो प्राणी पक्षियों में पाया गया था वो H5N8 था, तो इसे ध्यान में रखें, ये H5N1 वाला है, इससे भारत मुक्त घोषित हो गया है। ये देवेंद्र झाझरिया जानते होंगे शायद आप, ये पैरालंपिक में खेले थे। ये जेवलिन थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये सितंबर में रहे समसामयिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने यहाँ निकाले। आपको वीडियो कैसा लगा बताएं मुझे, और कल भी मेरा वीडियो आएगा, जैसा अक्टूबर का होगा या फिर 1 महीने पहले का होगा, क्योंकि लगभग 20 दिन का तो आता ही है आरओ में, तो स्पेशली आरओ के लिए बना रहा हूँ मैं इसे। देखते रहें, सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे। धन्यवाद देना चाहता हूँ पिछले रेस्पॉन्स के लिए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मुझे, धन्यवाद।